चीन में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले फुल स्पीड में तेजी से फैल रहे हैं। शंघाई में तो फिलहाल कोविड संक्रमण से लोगों का बुरा हाल है। इस बीच कोरोना की वजह से 51 लोगों की मौत होने के बाद प्रशासन ने ज्यादा मामलों वाले जिले चांगयांग में 35 लाख से अधिक लोगों की जांच शुरू कर दी है। 3 दिन में पूरा होगा टास्क। आधिकारिक मीडिया के अनुसार बीजिंग की स्थानीय सरकार ने चांगयांग जिले में सोमवार से 3 दिन तक 35 लाख से अधिक लोगों की जांच के आदेश दिए हैं। जिले में संक्रमण के काफी मामले सामने आए हैं, एक भी शख्स नहीं छूटेगा। चांगयांग रोग निवारक एवं नियंत्रण टीम ने रविवार को एक नोटिस में कहा है कि जिले में रहने वाले और वहां काम करने वालों की जांच की जाएगी। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बीजिंग में शनिवार को 14 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 11 मामले चांगयांग जिले में थे, जो शहर के मध्य भाग है और जहां शीर्ष चीनी नेतृत्व रहता है। वहीं चीनी मुख्य भूमि में रविवार को 20,190 से अधिक मामले सामने आए, इनमें से अधिकतर में संक्रमण में कोई लक्षण नहीं थे। चीन की नई मुसीबत। पूरी दुनिया जब कोरोना वायरस को हराकर सामान्य स्थिति की ओर लौट रही है, तब चीन संक्रमण के नए दौर से जूझ रहा है। जहां से इसकी शुरुआत हुई थी, चीन की सरकार वायरस के रोकथाम के लिए कठोर से कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं हट रही है। इस सिलसिले में लगातार बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।